अहम खबर यह है कि दुक्की में कोयले की कान पर हमले के पीछे छुपे मुहर्रकात सामने आ चुके हैं। दहशतगर्दों ने कान पर रॉकेटों से हमला करके 21 मजदूर शहीद कर दिए। दहशतगर्दों ने कानकनी की मशीनरी को भी तबाह कर दिया और जान बहक होने वाले मजदूरों में अक्सरियत पश्तूनों की है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि दुक्की में ये वाक्य अफसोसनाक पेश आया है और इसी पर हम तासरात हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत अफसोसनाक ये सूरत हाल है, आप कैसे कमेंट करेंगे इस पे? सबसे पहले तो ताजियत जो शहीद है उनके खानदानों से, बिकॉज कोई शहरी कहीं का भी हो, चाहे वो केपी है, बलोचिस्तान है, पंजाब है, इसलिए हम पाकिस्तानी शहरी। दूसरा, आई थिंक टाइमिंग बड़ी जरूरी है देखने की कि क्यों अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के नजदीक जो है पाकिस्तान में क्योस और टेरिज्म को अपस्केल करने की एफर्ट हो रही है। केपी में भी एफर्ट हो रही है धरने खामखा देने की। इसी तरीके से बलोचिस्तान में पैदर पे आई थिंक ऊपर नीचे अटैक्स हुए हैं और ये आई थिंक बहुत ज्यादा अफसोसनाक है कि जो गरीब मजदूर हैं अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अगर उनको निशाना बनाए तो इसका दहशतगर्द तो फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा, जो उनकी पीछे बैकअप है होस्टल एजेंसी है, वो चाहते सही। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने इस पर अपना तज्जिया पेश किया।